For latest physics course of class 12th, download our app. Link is in description box. Page number 59. Question आपको दिया हुआ है. The current in the primary circuit of a potentiometer is 0.2 ampere. If the cross sectional area of the wire is 0.8 into 10 raised to power minus 6 meter square and its resistivity is 40 into 10 raised to power minus 8 ohm meter, then find the potential gradient. क्या क्या चीजें गिवन है नोट कर लेते हैं. द करंट इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर. प्राइमरी सर्किट समझ गए ना, आपको बताया था वो जो 10 मीटर लेंथ का वायर होता है उसके साथ में एक बैटरी कनेक्ट होती है, एक अमीटर होता है और एक रियोस्टेट होता है. तो वो वाला जो सर्किट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट. तो प्राइमरी सर्किट में करंट की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना है करंट 0.2 एम्पियर, इतना करंट उसके अंदर फ्लो है. इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 0.8 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसकी थिकनेस आपको दे रखी है मतलब. एंड इट्स रेसिस्टिविटी इज, रेसिस्टिविटी मतलब रो, रो आपको दिया हुआ है 40 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 8 ओम मीटर. देन कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना है. क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, के इक्वल्स टू वी बाई एल, याद है क्या कल बताया था. अच्छा, v को i इंटू आर लिख सकते हो, है ना, ये इसलिए लिखा क्योंकि i आपको गिवन है, तो i इंटू आर लिखेंगे इसको. v को मतलब v इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, जिसको i इंटू आर लिखा जा सकता है. r का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. r की वैल्यू, r को हम रो की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, रो l बाई ए. तो ये देखो l से l कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, k इक्वल्स टू i रो बाई ए. वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर लो. i की वैल्यू 0.2, ठीक है, रो की वैल्यू 40 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई ए. ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि दे रखा है 0.8 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 6. सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आ गया हमारे पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या आएगा सॉल्व करने पे, 0.1 वोल्ट पर मीटर, 0.1 वोल्ट पर मीटर, ये आएगा आंसर. ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, नोट कर लो. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है वो याद रख रहे हैं. जिस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा. तो सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, याद रखना है. हाँ जी, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसा एक एरो का सिंबल लगा रखा है, क्या मतलब है इसका, ये क्या चीज है, रियोस्टेट. रियोस्टेट का सिंबल है ये. रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है. तो ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है सर्किट में. एक तो फिक्स रेजिस्टेंस होता है और एक होता है वेरिएबल. तो ये वेरिएबल वाला रेजिस्टेंस है. यहाँ पे देखो दो सेल कनेक्टेड है, ये दो सेल हैं और फर्स्ट केस में सेल्स को हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है और इसके लिए जो बैलेंस लेंथ आपको दे रखी है वो है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कोई पॉइंट है जहाँ पे बैलेंस लेंथ मिली. दूसरा जो केस है उसमें दोनों सेल कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है और इसके लिए बैलेंस लेंथ कितनी है, इसके लिए है 300 सेंटीमीटर. ये लो, दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों के लिए बैलेंस लेंथ भी गिवन है. इनका EMF है E1 और E2 और इनको हमने गिवन मैनर में, यानी कि इस तरीके से हमने इनको कनेक्ट किया हुआ है. पहले इनको कैसे कनेक्ट किया, फर्स्ट केस में इनको इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं. कैसे करंट फ्लो कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में. तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करेंगे तो इनका जो टोटल EMF होगा वो E1 माइनस E2 के इक्वल होगा. इनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपको टोटल EMF मिलेगा. अगर दो सेल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं जैसे कि सेकेंड केस में है तो इनका EMF ऐड होता है. लेकिन फर्स्ट केस में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट EMF हो कितना होगा, इसका बताओ, इसका इक्विवेलेंट EMF कितना लिखूं मैं, E1 प्लस E2. और सेकेंड केस में इसको हम लिखेंगे E1 माइनस E2, अपोजिट है ना ये. तो और सेकेंड केस में देखो E1 प्लस E2, रीजन समझ में आया क्या, अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो ऐड कर लो वोल्टेज और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं और एक ही ब्रांच में कनेक्टेड है सेल तो माइनस कर लो, ठीक है. अब ये आपको पूछ रहा है, इन ए पोटेंशियोमीटर द नल पॉइंट फॉर द टू प्राइमरी सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2
कनेक्टेड इन द गिवन मैनर आर ऑब्टेंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए. फाइंड, फर्स्ट आपको फाइंड करना है E1 अपॉन E2, यानी जो सेल E1 और E2 है उनके EMF का रेशियो फाइंड करना है. दूसरे केस में आपको फाइंड करना है पोजिशन ऑफ द नल पॉइंट फॉर द सेल E1, यानी कि जो सेल E1 है उसके लिए आपको बैलेंस लेंथ कितनी होगी, L1 मान लेते हैं, ये आपको फाइंड करके बतानी है. समझ में आया क्या? बैलेंस लेंथ कितनी है ये आपको बतानी है E1 EMF के सेल के लिए. और फर्स्ट केस में क्या बताना है, E1 और E2 का रेशियो क्या होगा. ठीक है, हाउ इज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इंक्रीज, ये और पूछा लास्ट में. ये तो हम जानते ही हैं, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करोगे, जो पोटेंशियोमीटर है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आप कम कर दोगे. और उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हो, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है. जितना बड़ा वायर आप इसमें यूज करोगे, है ना, पोटेंशियोमीटर में जितना बड़ा वायर यूज करोगे उतना ही सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि के की वैल्यू कम होती जाएगी. के इक्वल्स टू क्या होगा, वी बाई एल. ठीक है ना, तो एल जितना ज्यादा उतना ही क्या होगा, एल जितना ज्यादा के उतना ही कम, और के जितना कम होगा सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा. पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है जी, सबसे पहले क्या करना है आपको, इस पहले वाले कॉम्बिनेशन को देखना है. इसके लिए बैलेंस लेंथ कितनी है, इसके लिए है 120 सेंटीमीटर. इक्वेशन किस तरीके से हम लिखते हैं, जो EMF होता है उसको हम इक्वल लिखते हैं के इंटू एल के. याद आया क्या, ई इक्वल्स टू, कल हमने एक सेल के लिए जैसे एक सेल लगा दिया, उसके लिए बैलेंस लेंथ फाइंड करी थी, उस सेल का EMF था E1. इक्वेशन क्या लिखी थी, E1 इक्वल्स टू के इंटू L1, ऐसा कुछ लिखा था, याद आया ना. तो यहाँ पे इन दो सेल का जो टोटल EMF है वो कितना है, E1 माइनस C2 है. इसको एक ही सेल मान लो जिसका EMF कितना है, E1 माइनस C2, और इसके लिए बैलेंस लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर. तो इक्वेशन क्या लिखोगे, E1 माइनस E2 यानी कि टोटल EMF इक्वल्स टू के इंटू L. L की जगह क्या दे रखा है, 120 सेंटीमीटर, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो. ये लो पहली इक्वेशन आ गई, आया क्या समझ में. और इसी तरीके से सेकेंड केस में देखो, इस बार क्या है, दोनों सेल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, ऐड कर लिया, टोटल EMF मिला E1 प्लस E2. इसके लिए बैलेंस लेंथ कितनी है, 300 सेंटीमीटर, क्योंकि वोल्टेज बढ़ गया ना यहाँ पे, E1 प्लस E2 ज्यादा होगा E1 माइनस E2 से, तो देखो बैलेंस लेंथ ज्यादा आ रही है, 300 सेंटीमीटर पे आ रही है. क्या इक्वेशन लिखेंगे, E1 प्लस E2 इक्वल टू के इंटू 300. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. ठीक है, आपको E1 और E2 का रेशियो फाइंड करना है. अभी इन दोनों इक्वेशन से हम E1 E2 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्या रीजन है, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है, वेरिएबल तीन है, के भी नहीं पता, E1 E2 भी नहीं पता. तो सिर्फ आप इस इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को, कि आप E1 और E2 का रेशियो फाइंड कर लो. उसके लिए आपको K को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लो. तो ये क्या आएगा, मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 2 से, क्या आएगा बताओ, E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई E1 प्लस E2, किसके बराबर आएगा ये, 120 बाई 300. सॉल्व करोगे तो एक जीरो कैंसिल, और 6 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 2 अपॉन 5. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5E1 माइनस 5E2 इक्वल टू क्या आएगा, 2E1 प्लस 2E2. जो E1 वाले टर्म्स हैं उनको इधर ले आते हैं, देखो ये 5E1 है, ये इधर आएगा तो 3E1, और ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7E2. आपको पूछा है E1 बाई E2 क्या होगा, तो बताओ E1 अपॉन E2 क्या लिखूं, E1 अपॉन E2 ये आएगा 7/3. आया क्या समझ में, ये आपका आंसर हो गया. पहली चीज आ गई अपने पास, ये फाइंड करना था, आ गया. ये जो E1 EMF का सेल है इसके लिए बैलेंस लेंथ कितनी होगी, अब ये कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे तो आपको E1 E2 के लिए आपको कोई अलग से रीडिंग बताई नहीं है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए रीडिंग्स बताई हुई हैं. एक काम करते हैं, देखो अगर मैं E1 EMF के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता, सपोज करो मैं इक्वेशन लिखता इसके लिए, ध्यान से समझो एक बार बाद में लिखना, अगर मैं E1 EMF के लिए इक्वेशन लिखता तो इक्वेशन क्या बनती, E1 इक्वल्स टू के इंटू L1, ऐसा कुछ बनती, L1 उसके लिए बैलेंस लेंथ होती. तो अगर L1 फाइंड करना है कि L1 कितना होगा, तो मुझे E1 इक्वल्स टू के इंटू समथिंग ऐसा कुछ इक्वेशन बनानी चाहिए, और उसमें K का जो मल्टीपल आएगा ना वही क्या होगी, बैलेंस लेंथ होगी. क्योंकि जब मैं कंपेयर करूंगा ना E1 इक्वल्स टू के इंटू L1 से, ये इक्वेशन से अगर मैं इस फॉर्मेट में ले आता हूँ इक्वेशन को, तो उससे मैं के का जो मल्टीपल होगा ना वो L1 के इक्वल होगा, ऐसे अपन फाइंड कर सकते हैं. देखो आप थोड़ा सॉल्व करके बताता हूँ, बी वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं अभी अपन. ठीक है, तो
मुझे इक्वेशन E1 और K के अंदर चाहिए, मतलब E2 नहीं चाहिए उस इक्वेशन के अंदर, तो E2 को हटाना पड़ेगा। E2 को हटाने के लिए यहाँ से क्या कर सकते हो, E2 की जगह क्या पुट कर सकते हो, देखो इसको इधर ले जाओ, E2 इक्वल्स टू लिखा जा सकता है 3E1/7। E2 की जगह क्या लिख सकते हो, 3E1/7। अब ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी एक में पुट कर दो। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है बाय इक्वेशन 1, उसमें देखो वैल्यू पुट करेंगे, E1 तो आपको इक्वेशन में चाहिए है ना, और E2 को हटा रहा है, तो E2 की जगह मैं पुट करूंगा 3E1/7, समझ में आया क्या। और इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा K × 120। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यह आएगा 4E1/7 इक्वल टू K × 120। थोड़ा और सॉल्व करो इसको, E1 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये देखो 4 से कैंसिल करोगे ना इधर, तो ये 4 और ये 30 आएगा, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 210। समझ में आया क्या। अगर मैं E1 EMF का सेल अकेला ही सर्किट में लगाता तो उसके लिए बैलेंस स्ट्रेंथ क्या मिलती हमको, L1 मिलती, और उसके लिए इक्वेशन क्या लिखी जाती, E1 इक्वल्स टू K × L1, ये उसी फॉर्मेट में, ठीक है, K तो कांस्टेंट होता है, तो E1 इक्वल्स टू K × ये क्या होगा, ये होगा L1। यानी कि अगर मैं अकेला E1 EMF का सेल सर्किट में लगाता तो उसके लिए मुझे जो बैलेंस लेंथ मिलती वो 210 सेंटीमीटर पे मिलती। यानी कि यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, देखो जगह नहीं है थोड़ी सी, यहाँ पे लिख रहा हूँ है ना, एक लाइन लिख देंगे, बाय कंपेयरिंग विद, कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करना है, E1 इक्वल्स टू K L1, तो L1 क्या आएगा, ये वाली जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करोगे तो 210 सेंटीमीटर में है ना, 210 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस होता। अगर आपको ये पूछता है कि भाई E2 EMF का सेल है उसके लिए बैलेंस लेंथ क्या होगी, फाइंड कर सकते हो क्या, क्या करोगे, E1 के लिए क्या क्या इक्वेशन को E1 और K के अंदर बनाया, अगर E2 फाइंड करता तो ये इक्वेशन हम किस में बनाते, E2 और K के अंदर। जैसे E1 को क्या लिख सकते हो, यहाँ से E1 को लिख सकते हो 7E2/3, और ये वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते और उससे E2 की टर्म्स में अपने पास इक्वेशन बनती, E2 इक्वल टू K × समथिंग, और वो जो समथिंग होता, K का जो मल्टीपल होता, वही क्या होता, E2 EMF के सेल के लिए बैलेंस लेंथ होती। आया समझ में।